एक ना हनी, एक वो तिया है, क्या उसका नाम है, एक डाकू तिया है। वो जो डाकू तिया ना, उसके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है मोंटी, एक का नाम होता है छोंटी। तो वो जब होती है ना, उनकी मामा जब निकल जाती है घर से, तो मोंटी छोंटी को कहता है, आओ आओ हम मामा चली गई हैं, आओ हम ना हम जरा चलें। कहती है किधर चलें, मोंटी कहता है, कहता साथ वाला डोगी नहीं है, उसको तंग करके आते हैं। कहती है अच्छा, उसको तंग करके आना। हाँ कहता, हाँ कहता मामा ने ना हमें मना किया हुआ। कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आ जाओ हम चले। अच्छा ये कह, इतने कहने की देर होती है हनी, तो वो ना मोंटी छोंटी को ना डोगी जो होता है ना, वो करता है ऐसे, वो करता है ना, तो वो डर जाते हैं। वो कहते हैं ये तो ना मोंटी छोंटी, तो वो ना डर जाते हैं। वो कहते हैं वो बिल्ली की आ रही है, उसकी टांग फंस गई। हाँ जी, अच्छा। हाँ हनी, वो ना उसकी इतनी ज्यादा, उसके साथ ना उसको चक्कियां जब मारना शुरू कर देता ना, उसकी चक्कियों की वजह से ना वो दोनों डर जाते हैं। बच्चे होते हैं ना वो दोनों, उनका नाम आपको छोटी मोटी मैंने आपको उनका नाम बताया है ना। तो वो ना उनकी मामा आ जाती है इतनी देर ना स्कूल से, उधर से खाना ढूंढने गई होती है ना उनकी मामा। वो आके कहती है, मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अंडे लेके आई हूँ, मैं आपको आप लोगों के लिए वो लेके आई हूँ, ब्रेड लेके आई हूँ और वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। मतलब अपने बच्चों के लिए ना वो बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें लेके आती है। डक जो होती है, डक, हाँ डक, क्योंकि उसके बच्चे चाहते हैं ना कि हमें खाने को कुछ मिले। तो वो हनी क्या होता है, वो ना बच्चे ही नहीं घर होते, आपको पता है वो कहाँ चले जाते हैं, पता है ना, डोगी के घर जाते हैं वो। तो वो ना बड़ा रोना शुरू कर देती है, मेरे बच्चे ऐसे करके इतना रोती है बेचारी, उसको अपने बच्चे नहीं मिलते। ठीक है, फिर उसके जहन में एक बात आती है, कहती है मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं ना ऐसे करती हूँ कि ना मैं डोगी के घर चेक करती हूँ, क्योंकि डोगी का घर बिल्कुल साथ होता है ना। कहती है मैं ज़रा डोगी का घर नहीं चेक करूँ। वो डोगी का घर चेक करने जाती है, तो क्या होता है, वो ना है डोगी ना, नहीं डोगी उनको कमरे में बांध के आया था ना, कि अगर आप लोग निकले तो मैं आप लोगों की ना पिटाई कर देनी है। अब कहते हैं मामा नहीं हम नहीं निकलते, ये ना छुंटी ने कहा था ऐसे कि उसके सर में है, इसके सर में भी बच्चों ने दिए हुए हैं अंडे बड़े से। आपको किसने बताया? मैंने देखा मेरे मामू निकालते थे। मामू निकालते थे जुमे? मामू को कैसे जुमे निकालनी आती है? दो चीजें लेके ना निकालते हैं। कंघी से? नहीं, हाँ किसी और चीज से, जैसे किसी और चीज से। कैसे हानि? उसका नाम नहीं मुझे। वो उनको शैम्पू से नहाई कराते हैं आपके मामू? हाँ। अच्छा, और वो जो है डोगी कितने हैं उनके घर, है आपकी नानों के घर है? लड़की ने बच्चे दिए और बाकी उसके बच्चे मर गए। तीन बच्चे रह गए, एक भाई है बाबा जैसा वाइट कलर का, बाबा जैसा, और उसके बाद एक बाबा और मामा है ब्राउन कलर की। अच्छा, मामा ब्राउन कलर की, और दो बहन है ब्राउन कलर। अच्छा, पांच डॉगी हैं उनके घर, बाकी मर गए। तो वो काटती है हनी? डॉगी काटते हैं। एक दफा मैं मर गई, वो ना रस्सी खोल के मेरे पीछे पड़ गया। फिर मैं अंदर गई, तो अपनी नानी
मैंने ना आनी को बताया, आनी ने उसको बंद कर दिया। हाँ अच्छा, तो हानी वो जो आनी माँ हमको नहीं काटते। अच्छा, और आपके मामू को ना? आपके मामू को नहीं, उनको भी नहीं काटते। हाँ। उन डोगी को आपके मामू की पहचान होगी ना, ना और आपके नाना बू की। नाना बू की वो बात मानते हैं। हाँ। हाँ। नाना बू उनको खाना डालते हैं? नहीं, वो खाना नहीं, कहीं अन मेरी नानू डालते हैं कभी कभी, नाना बू तो नहीं डालते। हाँ। जब वो बोलते हैं बैठ जाओ बैठ जाता है डोगी के। मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी मामा ने बताया था उन बच्चों को खा लिया था उसने? हाँ। मैंने भी ये सुना था आपकी मामा से, आपकी मामा ने मुझे ये बातें बताई थी। हानी, आप किसके साथ बैठती हो? जिसके साथ बैठती हो ना उसके सर में भुइया है। हाँ, किसके साथ बैठती? बढ़िया बढ़िया। वो जो उम्मे हानी की बहन है वो भी सही है, स्टडी में अच्छी है। सबसे ज्यादा गुड किसको मिलते हैं, स्टार किसको मिलते हैं क्लास में? अब तो प्रैक्टिस करते हैं डांस की। पहले क्लास में किसको मिलते थे? पेपर से तब हमें मिलते नहीं थे। नहीं मिलते थे तब जब जिसका काम हो जाता था वो टीचर उसको दिखाती नहीं थी पेपर। हाँ। टीचर आपको क्लास में बताती थी कि यहाँ से आपने पेपर रॉन्ग किया है? नहीं, नहीं बताती थी ना। अच्छा, और डांटती तो नहीं है? नहीं। वो जो इशल नहीं है, इशल जेबा हाला की, जेबा पुप्पो के घर जाती है ना मेरे साथ, है ना, जाती है ना, उनकी बेटी जो है ना और उनका बेटा जो है ना। हाँ। वो उनको उनको ना स्कूल की तरफ से ना प्राइज मिला बड़ा प्यारा सा। हाँ, सीरियसली उसको बड़ा प्यारा, क्योंकि वो बड़ा अच्छा पढ़ती है ना इशल। आप उसके घर गई थी ना, वो आपको खिलौने अपने दिखा रही थी ना। अच्छा, वो लड़की है कि वो लड़की है? कौन है? दोनों में से कौन लड़की है? कौन? हाँ, मुझे नहीं पता, ये आपको ना वो बताएगी जैनी हालानी। हाँ। उसको पता है? हानी, आपके साथ में भुइयों ने इतने अंडे दिए हैं, इतने अंडे दिए हैं, पता है आपको? हाँ, मेरी बेटी दिखाती है जैनों के साथ में ना एक दिन इतनी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डोगी हाथ डालेगा मुंह में। गंदे देखो।